तो मैं चाहता हूँ कि अररिया लोकसभा से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को टिकट दिया जाए, जो सीट को निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब सीट निकाल सकते हैं MIM का। तो बिहार सदर अख्तरुल ईमान से, बिहार प्रभारी माजिद हुसैन से और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी हमारा गुजारिश है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि 2020 में उन्होंने कुर्बानी भी की और अच्छी खासी पकड़ भी है उनकी। और आप बेहतर फैसला करने वाले हैं, तो कोई भी फैसला लेंगे तो सोच समझ कर ही लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से लोग वीडियो जारी कर अपील कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के समर्थन में बोल रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए और अररिया लोकसभा से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब बेहतर उम्मीदवार होंगे और MIM के लिए भी बेहतर है। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपील कर रहे हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब से अपील कर रहे हैं कि इस बार किसी तरह का कोई गलती MIM के तरफ से नहीं हो, क्योंकि उनके कुर्बानी को लगातार लोग याद कर रहे हैं। आम लोगों के जुबान पर उनके कुर्बानी का जो है चर्चा है और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट हर हाल में मिलनी चाहिए। लगातार जो है लोग सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा जैसा कि आप जान रहे हैं, इस बार अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज लोकसभा चुनाव से अपना उम्मीदवार बनेंगे, तो वहीं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को अररिया लोकसभा से लोग देख रहे हैं। बहरहाल इस वक्त बिहार में 11 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है, जिसमें 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का घोषणा हो चुका है। बाकी और सीटों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब और मौलाना अब्दुल्ला सालिम के चर्चे हर जुबान पर हैं। लगातार जो है लोग ये देख रहे हैं कि इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब MIM के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो अररिया लोकसभा सीट MIM के झोली में होगी और कहीं न कहीं सीमांचल से 2 शेर जो है दिल्ली लोकसभा पहुंचेंगे और सीमांचल सहित पूरे बिहार के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। लगातार जो है इस तरह के वीडियो अभी है, लेकिन आपके पास कोई प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। क्या इस बार मौलाना साहब को ही टिकट मिलनी चाहिए, चूँकि अब जो है वक्त बहुत करीब है और लगातार सभी राजनीतिक दल जो है अपने सीटों के उम्मीदवारों का घोषणा कर रहे हैं। वहीं RJD ने अब तक 6 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है, लेकिन इस वक्त MIM के तरफ सबकी नजर है। बहरहाल इस वक्त MIM इस वक्त पूरी प्रक्रिया कर रही है, उनके उम्मीदवार कहां कहां से कितने आवेदन दिए हैं, लगातार इसको देख रहे हैं और वक्त अभी बाकी है, लेकिन लोगों की जुबान पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम चर्चे पर है और MIM को भी देखनी चाहिए, चूंकि लगातार लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो खुद MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो है इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब और अख्तरुल ईमान साहब से लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस बार कम से कम जो है अररिया लोकसभा सीट से मौलाना साहब को ही टिकट मिलनी चाहिए और MIM से उनको इस बार लोकसभा चुनाव लड़ानी चाहिए, चूंकि 2025 के इसके बाद ही है, उससे पहले 2024 में तैयारी अररिया में भी लोकसभा जोर पर है, क्योंकि अररिया के जिला अध्यक्ष रहमत अली ने अपने बयान में कहा है कि इस बार बड़ी मजबूती के साथ जो है अररिया लोकसभा चुनाव लड़नी है और अररिया लोकसभा को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टी ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मंथन में है। सभी दावेदार जो है आवेदन अपना बायोडाटा जमा कर रहे हैं, बहुत जल्द अररिया लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषणा हो जाएंगे, क्योंकि अररिया में अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। रहमत अली का बयान है कि बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन उसमें अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब भी होंगे, क्योंकि अब तक जो है जानकारी के मुताबिक मौलाना साहब अपना बायोडाटा नहीं दिए थे। बहरहाल जैसा हो, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब और इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब के लिए एक फैसले की घड़ी है अररिया लोकसभा टिकट को लेकर, क्योंकि लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं मौलाना साहब के लिए और मौलाना साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं आम लोगों की जुबान पर भी है कि मौलाना साहब इस बार अररिया से लोकसभा चुनाव MIM के टिकट पर लड़े तो बेहतर है। बहरहाल
आप अगर द मैसेज न्यूज हमें देख रहे हैं तो हर हाल में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि हर अपडेट आपको चुनाव संबंधी इसी चैनल पर मिले।